अपने प्राइवेट फोटोज आपने किसी वॉल्ट ऐप में हाइड करके रखे होंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, वो लोग जिन्होंने वो ऐप बनाई है क्या वो आपके फोटोज एंड वीडियोस देख सकते हैं, या क्या आपके वो फोटोज लीक हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं और मैं आपको एक बेटर अल्टरनेटिव दूंगा जिससे आप अपने फोटोज एंड वीडियोस को सेफ एंड सिक्योर तरीके से स्टोर कर पाएंगे। देखो, अपने क्लोज फ्रेंड को भी आप अपने प्राइवेट फोटोज कभी नहीं दिखाते हो, लेकिन फिर भी किसी अननोन डेवलपर पे आप बिना देखे ट्रस्ट करके उसकी ऐप में फोटोज स्टोर करते हो, और वो बंदा आपके फोटोज के साथ क्या कर सकता है आपको पता नहीं है। देखो, कुछ राज इतने कीमती होते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी आंखों से ही देखना चाहिए। आपके वो राज कैसे खुल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने प्राइवेट फोटोज किसी ऐप में स्टोर कर लिए। अब अगर कोई बंदा आपसे फोन लेता है और उस ऐप को अनइंस्टॉल करता है तो आपके सारे फोटोज अनहाइड होके आपकी गैलरी में वापस आ जाएंगे और वो बंदा आपके फोटोज देख सकता है, मतलब प्राइवेसी खत्म। या कुछ केसेस में क्या हो सकता है, ऐप को अनइंस्टॉल करके ही आपके सारे फोटोज भी डिलीट हो जाएंगे, मतलब एक क्लिक में आपका पूरा डेटा खत्म हो जाएगा। फिर बचता है थर्ड ऑप्शन, फोटोज को बैकअप करना। आपको बोला जाता है आप अपने फोटोज और वीडियोज को बैकअप के लिए अपलोड कर लो, फिर अगर आपका फोन खो जाता है या आपकी ऐप अनइंस्टॉल हो जाती है, आप किसी भी टाइम पे अपने फोटोज और वीडियोज को रिकवर कर पाओगे। ये तो सेम बात है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी ऐप में अपने प्राइवेट फोटोज और वीडियोस अपलोड करेंगे, मैं किसी भी टाइम पे उन फोटोज और वीडियोस को देख सकूंगा, उन फोटोज और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। अब अगर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, फिर भी मेरी डेटाबेस अनसिक्योर हो सकती है और मेरी गलती की वजह से आपके सारे फोटोज और वीडियोस हैकर चुरा सकता है। एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर से टॉप 30 वॉल्ट ऐप्स निकाले और उन पे रिसर्च किया। उन्होंने क्या देखा, उनमें कई ऐप्स जैसे ये और ये आपका सेंसिटिव डेटा, आपके सारे प्राइवेट फोटोज और वीडियोस लीक कर रहे थे क्योंकि इनकी डेटाबेस सिक्योर नहीं थी, और ये ऐप आपका पर्सनल डेटा, आपके सारे फोन नंबर्स, फोन का IMEI और आपके फोन में जितनी भी एप्स इंस्टॉल्ड है वो सब डेटा चोरी चोरी एक्सपोर्ट कर रही थी, और ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में कुछ ऐसी परमिशन थी जो उन ऐप्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं थी, जैसे लोकेशन परमिशन या माइक्रोफोन परमिशन। एक फोटोज ऐप को माइक्रोफोन परमिशन क्यों चाहिए? और उन्होंने एक ऐसी ऐप भी देखी थी जो कैमरा परमिशन के बगैर ही कैमरा को यूज कर पा रही थी। अब आप बोलेंगे, भाई डरा क्यों रहे हो, हमें करना क्या है? मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। देखो, किसी भी ऐप पे अपने प्राइवेट फोटो स्टोर करने से पहले प्ले स्टोर पे आप डेवलपर सेक्शन में उस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ेंगे और देखेंगे वो आपके फोटोज कैसे स्टोर करते हैं। जैसे इस ऐप का कहना है कि उनके एम्प्लॉइज आपके फोटोज नहीं देख सकते क्योंकि आपके फोटोज एनक्रिप्टेड होते हैं। अगर किसी ऐप की क्लियर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, आप उस ऐप को यूज नहीं करेंगे। अब अगर आपने बैकअप नहीं किया है, फिर भी वो ऐप आपके परमिशन के बगैर चोरी चोरी आपके सारे फोटोज निकाल सकती है। ये चीज चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस ऐप की सेटिंग में जाएंगे और उस ऐप की डेटा यूजेज देखेंगे। अगर उस ऐप ने ज्यादा डेटा यूज किया है तो मतलब गड़बड़ है। सेफ्टी के लिए कुछ फोन में आप ऐप्स का डेटा भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जब ये ऐप इंटरनेट ही यूज नहीं कर पाएगी तो आपका डेटा चुराएगी कैसे? तो ये चीज आप अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हो। अब अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो और आपको एक बेटर ऑल्टरनेटिव चाहिए, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आप दूसरी ईमेल बनाएंगे और उस पे अपना सारा प्राइवेट डेटा स्टोर करेंगे। आप गूगल पे तो ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब आपके सारे प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन अब कोई बंदा आपका फोन ले सकता है और वो आपके फोटोज देख सकता है, इसलिए आपको फोटोज अपलोड करने के बाद उस ईमेल को अपने फोन से रिमूव करना है। फिर जब भी आपको जरूरत होगी आप उस ईमेल को वापस लॉगिन करेंगे और आप वो फोटोज देख पाएंगे। अगर आप फोटोज देखने के लिए बार बार ईमेल को लॉगिन नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता है जिसपे मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे बताना। देखो, अपने डेटा के साथ कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, खासकर अपने प्राइवेट डेटा के साथ। हमें टेक्नोलॉजी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हासिल हुआ होगा इस वीडियो से। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। लाइक तो आपने किया ही होगा, पेज को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।